डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी की बुक से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 तक के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस को किया है और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों का बाकी है। देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन तक के हम लोगों ने किया था। तो यहां तक कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन को कर लिया था 6.3 एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज 6.3 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 तक के कंप्लीट था। हम लोग आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से सीखते हैं आगे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है जरा उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ये बोल रहे हैं, यानी कि एक कर्व है भाई। ठीक है, और एक कर्व है, ठीक है, और इस कर्व का जो इक्वेशन दिया है वो कितना दिया है जरा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इस पे जो टेंजेंट होगा, इसका जो टेंजेंट होगा वो किसके पैरेलल है भाई, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब दिखा रहे हैं, देख पा रहे होंगे, ये एक टेंजेंट है। ये क्या है, एक टेंजेंट, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, और ये टेंजेंट किसके पैरेलल है भाई, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो हमको एक ऐसा स्पर्श रेखा बनाना है जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम लोग उसको dy बाय dx इक्वल टू जीरो करते हैं ना भाई, याद है ना। तो यहां पे लिखिएगा गिवन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो करते हैं ना। कहां से भाई, तो ये हम लोगों का फार्मूला से। लेकिन अब रहा बात कि dy बाय dx कैसे निकालोगे, dy बाय dx निकलेगा कैसे। तो जो हम लोगों को इक्वेशन दिया है इसी से चल के हम लोग dy बाय dx निकालेंगे। तो अब लिखिएगा पुनः अगेन क्या गिवन है, गिवन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब जब इक्वेशन रहता है तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो अब हम लोग इससे ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं है ऊपर देखिए, ये ध्यान रखिएगा यहां पे हम लोग dy बाय dx का इक्वल जीरो करेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इसको पहले इससे चल के आप dy बाय dx निकालिएगा तभी ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो dx स्क्वायर बाय dx dy स्क्वायर बटा dy, याद रहे ना चैन रूल, dy बटा dx इसको किए, फिर माइनस d2x बटा dx माइनस d3 बटा dx,
और डी जीरो बटा जीरो डी एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करा दिया। चलो भाई इधर देखो क्या बनेगा, यहां बनेगा 2x प्लस यहां वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में 2y इंटू ये तो dy बाय dx ऐसे ही रहेगा फिर माइनस 2 और 3 का भी जीरो और इसका भी जीरो तो इतना बराबर जीरो ठीक है। अब हम क्या बोले कि चूंकि dy बाय dx का मान निकालना है तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में तो प्लस में जाएगा ये प्लस में है तो माइनस में यानी कि 2y इंटू dy बाय dx ये माइनस है उधर जाएगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा 2x। अब चूंकि dy बाय dx का वैल्यू निकालना है तो यहां से हम लोग dy बाय dx का वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिए तो यहां से अगर इसलिए dy बाय dx इज इक्वल टू 2 प्लस 2x बटा 2y होगा ना और हम लोग या करके लिखे तो 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x बटा में 2y 2 2 कैंसिल आउट होगा तो यहां पर कितना बच जाएगा 1 प्लस x बटा में y ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें dy बाय dx का वैल्यू कितना आया दोस्तों 1 प्लस x बटा में y यही आया ना। चूंकि इन dy बाय dx को हम लोग जीरो के इक्वल करने वाले हैं तो यहां पे लिखिएगा नाउ ये dy बाय dx आया तो अब लिखिएगा नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू कितना था जीरो। अब dy बाय dx का वैल्यू कितना आया तो 1 प्लस x बटा में y इज इक्वल टू में जीरो तो 1 प्लस x ये y जो है ऊपर जाएगा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो जीरो बनेगा इसलिए दोस्तों x का वैल्यू कितना हो गया माइनस 1 ठीक है। और जब x का वैल्यू माइनस 1 आया तो हम लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू रख के और y का वैल्यू निकाल लेंगे इट मींस कैसे तो यहां पे तो पॉइंट निकालना था ना सिंस चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो जहां जहां एक्स है वहां कितना रखना है माइनस वन तो यहां पे हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और माइनस वन का स्क्वायर कितना प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस टू माइनस थ्री इक्वल टू में जीरो। अब आप देख पा रहे होंगे सबको ऐड कीजिए तो दो और एक मिलके कितना हुआ तीन और तीन में से तीन गया जीरो यानी कि हम लोगों को यहां से मिल गया वाई स्क्वायर बराबर जीरो वाई स्क्वायर बराबर जीरो इसलिए दोस्तों वाई का वैल्यू कितना आ गया जीरो। सो पॉइंट कितना पता चला तो पॉइंट इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना माइनस वन तो y का वैल्यू कितना जीरो तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन एंड जीरो। तो कुल मिलाकर ये बहुत आसान चीजें हैं लेकिन आपको जो है ना समझना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा ठीक है। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था। एक मिनट कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है y के जगह पे माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स की जगह पे माइनस वन ही आएगा ना क्योंकि dy बाय dx कितना निकला था क्योंकि आंसर मैच हम लोगों का नहीं कर रहा है। जरा देखते हैं फिर से आंसर 19 का 19 का कितना आंसर है एक मिनट जस्ट वेट वन और प्लस माइनस टू है वन और प्लस माइनस टू है भाई तो कहीं डिफरेंशिएशन तो हम लोगों का गलती नहीं है कहीं तो दिक्कत है। हम लोग का आंसर माइनस वन और जीरो आया है और आंसर दिया है वन और प्लस माइनस टू तो जब देखते हैं कि हम लोगों का डिफरेंशिएशन सवाल पहले मिलाते हैं सही है क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री हाँ ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने लिखा टू एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो यहां से अगर देखा जाए तो ये तो जीरो हो गया यहां बन जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन
अब उधर गया तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस x बटा y, 1 माइनस x बटा y इक्वल टू 0। तो x का सॉरी यहां पे ना आप x का वैल्यू -1 नहीं निकलेगा, जरा अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोगों का 1 माइनस x बटा y इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो y को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस x बराबर 0 होगा ना, लेकिन माइनस एक्स जब उधर जाएगा तो 1 बराबर x होगा ना, यानी कि x के जगह पे कितना रखना, 1 रखना है। ये मिस्टेक हुआ है, इसीलिए हम लोगों का आंसर मैच नहीं कर रहा था, यानी कि x का वैल्यू ध्यान रहे वो तो हम पीछे वाला मिटा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का वैल्यू +1 आएगा, और x का वैल्यू आप +1 रखिएगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा जरा देखेंगे, तो अब कुछ इस तरीके का मिल रहा है, 1 -2 और -3 -5 और +1, यानी कि y²-4 = 0, y²=4, y बराबर इधर जाता है तो +-2, उठता है तो +-2, तो बिल्कुल आंसर करेक्ट है। सो पॉइंट कितना आंसर आया, x के जगह पे 1 तो y के जगह पे +-2, सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वहां पे शायद प्लस माइनस में, तो आप वहां पे सही कर लीजिएगा, x का वैल्यू 1 आएगा न कि -1, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, जिसमें हम लोगों को बोल रहा था कि एक कर्व है और इस पर जितना टेंजेंट होगा ना वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, जो x एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं ना dy/dx 0 के इक्वल होता है, तो सबसे पहले हम लोग dy/dx निकाले, dy/dx अच्छे से निकालने के बाद उसको 0 के बराबर किया, 0 से बराबर करने के बाद हम लोगों को x का वैल्यू निकल गया, और x का वैल्यू निकालने के बाद उसको y में पुट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट फॉर द कर्व ay² = x³। देखिए इस बार क्या है, हम लोगों का कर्व दिया हुआ है, ठीक है, अब कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कह रहा है, तो नॉर्मल कब हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी पे, जब टेंजेंट रहेगा तभी ना, तो आप सबसे पहले यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहां पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट पास किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट पास आउट किया, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास आउट किया उसका कोऑर्डिनेट, उसका निर्देशांक दिया हुआ है, इसका निर्देशांक कितना भाई, तो am² am³। फिर क्या बोल रहे हैं कि इस पे, इस टेंजेंट पे जो नॉर्मल होता है वो बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, तो ये तो हम लोगों का मिला। अच्छा अब इस पे जो हम लोगों का देख पा रहे होंगे, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए हम लोगों का ये नॉर्मल मिलता है, इसी नॉर्मल का हमें क्या निकालना, इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकालना है, इसी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है सबसे पहले। अच्छा हाँ, एक और चीज, हमें कर्व का इक्वेशन दिया है, कर्व का इक्वेशन क्या दिया है भाई, तो कर्व का इक्वेशन दिया है कितना, ay² = x³, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हमको निकालना क्या है, तो हमें यहां पे हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, और जहां तक अगर बात है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला है पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला है वो है y-y1 = p × x-x1, पक्की बात। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे am² तो हम लोगों का x1 दे दिया, ये y1 दे दिया, ये y1 है, ये x1 है, ठीक है, लेकिन हमें तो यहां पे p चाहिए,
और पी मिल जाएगा तो हम लोगों को सब चीज इस पे वैल्यू पुट कर देना है। अब ये पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है दोस्तों स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग यहां पे पी से सूचित करते हैं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है मतलब कि स्पर्श रेखा, इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं टेंजेंट के स्लोप को। तो अगर नॉर्मल का हमें स्लोप निकालना होगा तो हम इसको सिंपल करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद चूंकि ये जो वाई का वैल्यू दिया है, ये इक्वेशन दिया है कर्व का, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा, और टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का निकालने के लिए माइनस वन बटा में कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। चूंकि इक्वेशन ऑफ कर्व कितना दिया है भाई, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, तो इसको दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहां पे क्या मिलेगा, डी ए वाई स्क्वायर बट्टा डी एक्स बराबर डी एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स। अब इसका जब हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, जरा ऊपर से मिटाते हैं फिर, और ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, ए जैसे ही बाहर होगा क्या बचेगा, डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई, डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोस्तों, थ्री एक्स स्क्वायर। यहां पे आप देख पा रहे होंगे तो ए का ए ही है, वाई स्क्वायर का बनेगा टू वाई डीवाई बाय डी एक्स थ्री वाई स्क्वायर। इसलिए दोस्तों डीवाई बाय डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डीवाई बाय डी एक्स का वैल्यू थ्री एक्स स्क्वायर बट्टा टू ए वाई आ गया, है ना। डीवाई बाय डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डीवाई बाय डी एक्स का वैल्यू इतना आ गया। ये dy बाय dx जो निकला ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला ना, यानी कि इसका वैल्यू m का वैल्यू आया 3x स्क्वायर बट्टा 2ay। लेकिन हमको तो m के से कोई मतलब नहीं है, हमें तो p चाहिए ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल पी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस वन बट्टा डीवाई बाई डी एक्स होगा। तो हम इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि माइनस वन बट्टा, और डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, तो थ्री एक्स स्क्वायर बट्टा टू ए वाई, या फिर इसको बोल सकते हैं माइनस का माइनस ये नीचे ऊपर जाएगा, टू ए वाई बट्टा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल तो पता चल गया, अब क्या करना है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल में टू ए वाई बट्टा थ्री एक्स स्क्वायर है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, तो यही तो हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल पी का फार्मूला, है ना। तो अब लिखेंगे नाउ, या हे देन देन पी बराबर कितना आया, टू ए वाई बट्टा, अच्छा माइनस आ गया, माइनस रहने देते हैं, बट्टा थ्री एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर कितना, दिखे ये जो निर्देशांक दिया हुआ है हम लोगों का, तो ये एक्स निर्देशांक होता है, ये वाई निर्देशांक होता है, तो एक्स के जगह पे कितना रखना है भाई, ए एम स्क्वायर, और y के जगह पे कितना रखना है, ए एम का क्यू, ए एम का क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहां पे p का मान है
माइनस टू इंटू ए इंटू वाई, तो वाई के जगह पे ए एम का क्यू बट्टा थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब ए एम स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू ए एम स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहां से देख पा रहा हूं माइनस टू ए ए को मिलके ए स्क्वायर एम के पावर तीन बट्टा थ्री ए का स्क्वायर ए स्क्वायर एम का स्क्वायर का पावर मैंने कि फोर। देख रहे स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तीन जो है कट गया तो वैल्यू कितना पता चल गया माइनस टू बट्टा थ्री एम। ठीक है, तो पी का वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू कितना, इसलिए दोस्तों पी का वैल्यू पता चल गया माइनस टू बाई थ्री एम। एंड जो सवाल हम लोगों को दिया रहता है तो जब भी हम लोग इक्वेशन में यूज करेंगे तो यही x1 और यही y1 बन जाता है, यानी कि x1 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर एंड y1 इज इक्वल टू ए एम क्यू। ठीक है, यही क्या बन जाता है हम लोगों का, तो यही बन जाता है x1 और यही बन जाता है y1, यानी कि x निर्देशांक और y निर्देशांक जो दिया रहता है यही हम लोगों का x1 y1 बन जाता है। अब इतना चीज निकालने के बाद, अभी हम लोग सब चीज निकाल चुके हैं, p का मान, x1 का मान और y1 का मान, तो अब लिखिएगा नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है भाई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y का y छोड़ देना है, माइनस y1 के जगह पे कितना आया है आप देख पा रहे होंगे, y1 के जगह पे a m का q आया हुआ है, यहां पे देख पा रहे हैं ना y1 का वैल्यू कितना है a m का q, और फिर यहां पे देख पा रहे होंगे कि रख देने के बाद p का वैल्यू कितना है माइनस टू बाई थ्री एम, फिर एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन का वैल्यू कितना है भाई, तो ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा अच्छे से इसको कैलकुलेशन कर देना है और फिर देखेंगे कि हम लोगों का आंसर किस रूप में दिया है। अच्छा, फिर फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर किस रूप में दिया है, यानी कि किस तरीके से हमको लाना है, उसी फॉर्म में इसको हम लोग आंसर में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट वेट, तो ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3m y, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नीचे वाला जो 3m है ना, इसको गुना कर देना इससे, तो 3m को y से गुना करेंगे, 3m y माइनस 3a, m के पावर 3 है और यहाँ 1 है तो m के पावर 4 इज इक्वल टू माइनस टू को x के साथ माइनस टू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, टू को एम स्क्वायर के साथ तो हो गया टू ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे कैसे दिया हुआ आंसर, ये माइनस टू एक्स है ना, इसको इधर कर लेना है तो कितना होगा टू एक्स प्लस थ्री एम वाई प्लस थ्री ए एम के पावर फोर, और ये इधर आएगा तो माइनस टू ए एम के पावर फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया है सवाल में, यानी कि जो आंसर दिया हुआ है इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि टू एक्स प्लस थ्री एम वाई। आप यहां से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है और हमें क्या कॉमन निकाला हुआ है, ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग इसको हम लोग खुद से भी इतना ही पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से आंसर दिया हुआ है उस तरीके से लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे 2am का स्क्वायर है, यहाँ पे तो 4 नहीं लिखाएगा 2 लिखाएगा। अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं हम लोग माइनस ए एम स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2 बचेगा और माइनस ए भी कॉमन हो गया, एम स्क्वायर कॉमन हो गया, तो थ्री एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां पे हम लोग ये दोनों में से एम स्क्वायर को कॉमन कर लिया है,
तो ये माइनस एम स्क्वायर को कॉमन किया तो यहां सिर्फ टू बच जाएगा, और ये माइनस क्यों लिखे क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस, और थ्री ए एम के पावर फोर। तो कुल मिलाकर हम लोगों का यही आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, तो हम लोगों का यही इक्वेशन आ जाता है कुल मिलाकर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हम लोग फिर से गलती कर रहे हैं, पता नहीं कैसे गलती हो रहा है। यहां माइनस है तो भाई प्लस कैसे होगा, माइनस होगा और यहां पे प्लस होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को ये आंसर बन चुका है, देख पा रहे होंगे बुक का भी यही आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोल रहे हैं जरा देखिए क्वेश्चन, फिलहाल बोर्ड साफ करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिख रहा होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू इतना विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4। दोस्तों यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक कर्व है और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे मान लिया कि यहां पे एक कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि विच आर पैरेलल टू द लाइन इतना इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू द कर्व। एक नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा जो एक लाइन के पैरेलल है, आप समझो भाई। सबसे पहला बात कि एक कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पे कुछ टेंजेंट तो होगा ना, इसका कोई स्पर्श रेखा तो होगा, हम लोग स्पर्श रेखा बना देते हैं। ये एक स्पर्श रेखा है, दिख रहा है इसका, हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में कुछ उतना सटीक जानकारी नहीं है इसलिए इसको डॉट 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 कर दिया, हो गया डॉट डॉट। यानी यहां यह पता चल रहा है कि कोई स्पर्श रेखा यहां से गुजर रहा है। अब यहां पे बोला गया कि किसी पॉइंट पे, यहां पॉइंट नहीं पता लेकिन किसी पॉइंट पे यहां पे एक नॉर्मल गुजरा है, क्या गुजरा है इसको, इसको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी इसी का क्या निकालना है भाई, हम लोगों का इक्वेशन निकालना है। लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो नॉर्मल है ना एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, यानी कि कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन है इसका नाम अभी मान लेते हैं ए और इसका नाम मान लेते हैं बी, यानी कि ये जो लाइन है इसी लाइन का ये पैरेलल है, कौन, नॉर्मल, और ये जो एबी लाइन हम खुद से दिए हैं इसी एबी का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 14y, एक्स प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, जरा अच्छे से समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर ये 21 है, हमें निकालना क्या है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें यहां पे निकालना है, हियर यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है, जरा इसके ऊपर आइए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फार्मूला होता है वो होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। राइट नाउ ये होता है हम लोगों का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो गया, फिर करना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बाद
हमें सबसे पहला बात तो x और y से लेना देना नहीं होता है, x1 और y1 चाहिए और साथ साथ t चाहिए, तभी ना ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों का निकलेगा। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो अब x1 y1 का मतलब यहां वाला पॉइंट चाहिए, यहां वाला पॉइंट, वही ना होता है x1 और y1। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं ये P का मतलब क्या है, तो नॉर्मल का स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये जो चीजें दिया है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि गिवन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन AB, AB का इक्वेशन क्या दिया है भाई, तो ये चीज दिया है x प्लस 14y प्लस 4 बराबर में 0। हम लोग यहां से चलते चलते y का मान निकालेंगे, यहां से चलते चलते y का मान निकालेंगे, तो 14y इज इक्वल टू, ये x उधर जाएगा तो माइनस एक्स, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस 4। यहां से y का वैल्यू क्या निकला, तो माइनस एक्स माइनस 4 बटा में 14। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आया, माइनस एक्स बटा 14 माइनस 4 बटा 14। अब कोई भी लाइन का आपको पता है कि हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता है, उससे जो y का मान निकलता है तो x का जो गुणांक होता है वही हम लोगों का स्लोप दे देता है उस लाइन का, यानी कि जिस लाइन का समीकरण हमको पता है उससे अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो उस y के वैल्यू में जो x का गुणांक होगा, जो x का गुणांक होगा उस लाइन का स्लोप बन जाएगा। तो AB लाइन के लिए m का वैल्यू आ गया, m मतलब स्लोप, इसका इक्वेशन ये दिया हुआ था, तो इसका स्लोप कितना निकल जाएगा, माइनस एक बटा में 14 निकल जाएगा ना। क्यों निकलेगा माइनस एक बटा 14, क्योंकि x का गुणांक है। तो यहां पे लिखेंगे उसके नीचे, सो इसीलिए स्लोप ऑफ लाइन AB, AB का स्लोप कितना हो गया, तो x का गुणांक कितना, माइनस एक बटा 14। फिर सवाल क्या बोला कि जो हम लोगों का नॉर्मल है वो AB के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा चीजों को, क्या बोल रहे हैं कि AB पैरेलल टू द नॉर्मल, यानी कि सवाल में क्या बोला, नॉर्मल जो है, नॉर्मल पैरेलल टू द लाइन AB, ये कहां से बोला, सवाल में बोला कि ये नॉर्मल जो है AB के पैरेलल है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं भाई कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। अगर दोनों पैरेलल है, इसका स्लोप 8 तो इसका भी स्लोप 8, उसी तरीके से दोनों लाइन जो है पैरेलल है तो इसका स्लोप आ गया माइनस एक बटा 4, तो इसका भी स्लोप हो जाएगा माइनस एक बटा 4, लेकिन इसके स्लोप को हम लोग पी से सूचित करते हैं क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो चूंकि नॉर्मल और एबी दोनों क्या है, पैरेलल है, तो जब दोनों समानांतर हो जाती है इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं नॉर्मल जब एबी के समानांतर हो जाती है इसलिए बोलते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना, माइनस एक बटा 14, सॉरी 4 लिखा गया यहां पर, आज गलती पे गलती हो रहा है, 14, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग सूचित किससे करते हैं, पी से, माइनस एक बटा में 14। अब पी का मतलब क्या, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का एक और फार्मूला है, जैसे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का एक फार्मूला dy बटा dx है, उसी तरीके से ये जो P है ना स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका भी एक फार्मूला है दोस्तों, वो कितना है,
तो -1/dy/dx ये फॉर्मूला है बराबर में -1/14। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया तो इसलिए बोल सकते हैं कि यहां से dx/dy ये नीचे वाला dx ऊपर जाएगा तो dx और नीचे dy बराबर कितना 1/14। दैट इज समीकरण नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये फार्मूला होता है पी का, ध्यान रहे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx ये हम आपको थ्योरिक में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गया dx/dy का मान 1/14। अब भाई dx/dy का मान कहां से निकलेगा, सोचो सोचो आप, ये dx/dy कहां से निकलेगा? तो सिंपल y का जो वैल्यू दिया है आप इसको डिफरेंशिएशन कर लो, तो जब भी आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो किसका मान आएगा, सिंपल dy/dx का। और जो dy/dx आएगा उसको हम लोग पलट देंगे तो dx/dy का मान आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट, सिंस चूंकि y का वैल्यू कितना है भाई, y का वैल्यू x³ + 2x + 6 यही है ना। अब ये चीजें हैं, ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, dy/dx। तो dy/dx कैसे, तो इसका मन में ही हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, तो x³ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या बनने वाला है, तो पावर पहले आ जाता है 3x² 2x का बनेगा 2, 6 का 0 और कुछ नहीं है भाई, तो इतना बटा 1 तो लिख सकते हैं ना अच्छा लगने के लिए। क्यों, क्योंकि इसी को हम लोग पलट सकते हैं dx/dy। आखिर हम लोग क्यों पलटे भाई, क्योंकि उसी का मान हमको समीकरण एक में दिया था, तो इसको आप पलट दो = 3x² + 2/1। ये बटा वन हम ऐसे ही लगाए, आप चाहें तो इसको नहीं भी रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जब हम इसको पलटे हैं तो इसको भी तो पलटेंगे, तो 1/3x² + 2 ठीक है, इसको भी हम लोगों ने पलट दिया। अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन से क्या वैल्यू दिया था, इक्वेशन नंबर वन से चूंकि dx/dy का वैल्यू कितना है 1/14, इसीलिए हम लोग यहां पे जहां dx/dy है उसके जगह पे कितना रख सकते हैं भाई 1/14, तो यहां रख दिया 1/14 = 1/3x² + 2। हम लोग क्या जानते हैं कि जब दोनों तरफ अगर बट्टा में रहता है हम लोग तिरछा तिरछे गुना करा सकते हैं, यानी कि जब हम लोग इसको इससे गुना कराएंगे इसको इससे गुना कराएंगे तो क्या मिलने वाला है, अब देखते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जब 14 को 1 से गुना कराएंगे तो 14 = 3x² को 1 से 3x² 2 को 1 से 2। अब ये 14 है, ये +2 है, इधर जाएगा तो हो गया -2, यानी कि 14 - 2 = 3x² हम बोल सकते हैं कि 3x² = कितना, 14 में से 2 गया 12 और x² का वैल्यू 3 × 12 कट गया, इसलिए x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो √4, इसको प्लस में भी और माइनस में भी, तो हम √4 का मतलब क्या हुआ कि +-2, यानी कि x का वैल्यू हमें 2 आ रहा है, ध्यान रहे x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, इसलिए दोस्तों x का वैल्यू एगो आया +2 और एगो आया x का वैल्यू -2।
तो x का वैल्यू हमें यहां पे दो पॉइंट पता चल गया, एक टू और एक माइनस टू। ठीक है, अब यहां पे टू और माइनस टू पता चल गया तो आप क्या कीजिएगा, एक बार x का वैल्यू टू यूज करके आप y का वैल्यू निकालिएगा, एक बार आप x का वैल्यू माइनस टू का यूज करके उपयोग करके आप यहां पे y का वैल्यू निकालिएगा, तो पता चल जाएगा कि दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग दो पॉइंट नजर आ रहा है। तो फिलहाल हम अभी x का वैल्यू टू पे करते हैं और आप जो है x का वैल्यू माइनस टू पे कीजिएगा, यानी कि दोनों पे आंसर आएगा। हम कितना पे बोल रहे हैं, टू पे हम अभी आंसर लाके दिखाते हैं आपको, माइनस टू पे आंसर लाकर मैच करना होगा। तो हम लिखते हैं नाउ एट x बराबर टू, नाउ एट x बराबर हम कितना पे कर रहे हैं, टू पे, तो एट x बराबर टू, तो x बराबर टू रखेंगे इसी में, तो इसलिए y का वैल्यू कितना है भाई, x का क्यूब, तो यहां रख दिए टू का क्यूब प्लस टू एक्स, तो यहां हो जाएगा प्लस टू इंटू टू प्लस कितना सिक्स, तो कितना आ रहा y का मान, दो का क्यूब आठ प्लस चार प्लस छ, आठ चार बारह छ अठारह, इसलिए सो एगो पॉइंट कितना मिला भाई, ये पॉइंट मिला दो और अठारह। दोस्तों आप जब माइनस टू रखिएगा तो माइनस टू और कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिलेगा, तो अगर यहां पे हम लोग लिखें कि इसको कर रहे थे तो दो और अठारह आया, आप अगर माइनस दो रखिएगा तो इसी पॉइंट का एक और पॉइंट पता चल जाएगा, समझना है। तो अभी तक के हम लोगों को ये वाला आया है तो इसको हम बोल देंगे x1 और इसको बोल देंगे हम लोग y1। आप जो है माइनस टू पे निकालिएगा तो जो पॉइंट आएगा उसको आप x1 बोलिएगा और y को y1 बोलिएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी टू पे काम कर रहे हैं, तो टू पे कितना आया, दो और अठारह। अब सब चीज पता चल गया हमको, तो अब जब सब चीज पता चल गया तो नाउ अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन p इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ध्यान रहे हम लोगों को किस पॉइंट पे निकालना है, दो अठारह पे, तो हम लोग x1 के जगह पे दो यूज करेंगे, y1 के जगह पे अठारह यूज करेंगे और p के जगह पे माइनस एक बटा चौदह यूज करेंगे। लेकिन जब आप दूसरे पॉइंट के लिए काम करेंगे, यहां पे जो आएगा वहां पे x1 यूज करना है, वो वाला y1 यूज करना है, लेकिन p तो हमेशा यही इस्तेमाल होगा ना, तो जो आपके लिए हम छोड़े हैं माइनस टू वाला उसमें भी आप p के मान रखिएगा माइनस एक बटा चौदह, ठीक है, माइनस एक बटा चौदह। अब यहां पे हमें वैल्यू पुट करना है, तो y का तो y वैसे ही छोड़ देंगे, y1 के जगह पे कितना रखना है दोस्तों, अठारह। तो उसी तरीके से सबका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे सबका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है। y माइनस y1 का वैल्यू कितना दोस्तों, अठारह, p तो p का वैल्यू कितना, माइनस एक बटा चौदह, x का x छोड़ देना है, माइनस x1 तो माइनस टू। दोस्तों हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जब अब माइनस टू पे निकालिएगा तो एक और पॉइंट मिल जाएगा, y में रखिएगा तो एक और पॉइंट मिल जाएगा, तो उस पॉइंट को तो x1 y1 हो जाएगा, लेकिन फिर से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिएगा, यानी कि दो को इसका आंसर होगा, एक हम निकाल दे रहे हैं और एक आपको निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब होगा तो y माइनस y1 तो आप ये पुट कर देंगे जो आएगा,
एक्स वन पुट, लेकिन पी के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं वही रहेगा क्योंकि वही वाला लाइन पे पॉइंट है, इस यही वाला पॉइंट दूट हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को अब इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं, क्या बनता है। 14 को y से गुना किया तो कितना बन गया यहां पे 14y माइनस प्लस माइनस, 14 और 18 को गुना किया तो कितना आएगा 18 72 252 इज इक्वल टू माइनस वन को x के साथ गुना किया तो माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस टू। जरा देख लेते हैं कि ये आंसर हमें किस रूप में दिया हुआ है, उसी रूप में हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे करके कुछ दिया है, इसमें कुछ कॉमन या कटने वाला है तो हम लोग पहले उसको कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो y माइनस वाई वन इंटू पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो दो 8 4 12 6 18 ठीक तो है दो रखने पे। चलिए हम लोग यहां पे अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो सबको इधर लाएंगे तो ये कितना बनेगा माइनस में x है ना, यहां बनेगा x ठीक है, प्लस 14y और ये माइनस टू है ना, प्लस टू है ना इधर आएगा तो माइनस 254 इज इक्वल टू कितना जीरो। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर कितना में 21 के लिए। जरा देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, तो जी हाँ एक्स प्लस 14y माइनस 254 बराबर जीरो, एक हम लोगों का आंसर आ गया है तो ये आंसर हो गया। लेकिन एक और आंसर दिया है बुक में, जरा हम उसको यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये वाला जो आंसर आएगा वो किस पे आएगा, तो एक्स प्लस 14y प्लस 86, एक तो आंसर आएगा एक्स प्लस 14y प्लस 86 बराबर जीरो। तो ये किस पे आएगा समझ रहे ना, तो ये वाला आंसर आपको खुद से मैच करना है खुद स्वयं कि ये आंसर कैसे आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर कि 22 क्या बोल रहा है, ठीक है चलिए चलते हैं आगे। सिंपल है, बस अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रूल नियम को फॉलो करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और बेसिकली आप चीजों को समझिए हर एक पॉइंट्स को कि हमें क्या बोला जा रहा है, देन तभी आप इस चीजों को पकड़ पाएंगे, ठीक है पकड़ पाएंगे अच्छे से। तो सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे सवालों में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस तरीके से बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट इतना इतना, यानी कि एक इक्वेशन निकालना है, किसका किसका निकालना है भाई, तो हमें नॉर्मल का भी निकालना है और टेंजेंट का भी निकालना है, दोनों का इक्वेशन निकालना है। कब, जब यहां पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, एक पैराबोला है, देखिए पैराबोला हाइपरबोला कर्व सर्किल ये सब जो है ना मुड़ा हुआ रास्ता होता है, ठीक है यानी कि कर्व रास्ता है, पैराबोला मतलब मुड़ा हुआ रास्ता। तो हम लोग यहां पे कर्व के बारे में दिया हुआ है तो कर्व बना दिया एक ठो, ठीक है अब ये कर्व है, अब इस कर्व पे क्या बोल रहा है कि कर्व का इक्वेशन कितना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4ax। अब ये बोल रहा है कि इस पे एक टेंजेंट भी है और एक नॉर्मल भी है, हम टेंजेंट दिखाते हैं, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ये देख लो भाई ये क्या हुआ एक
स्पर्श रेखा हो गया, एक टेंजेंट हो गया, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है। अब इस पे एक नॉर्मल बनाना होगा, तो नॉर्मल वही ना बनाया जाता है जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हाँ ये टच करता है। तो अगर सर्किल को इस पॉइंट पे टच करता है तो इससे हम लोग क्या बना दिए, एक नॉर्मल बना दिया। ये नॉर्मल है, देखिए इसको हम लोग, ये हमेशा टेंजेंट के 90 डिग्री पे होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोगों को पॉइंट्स दिया हुआ है, जो हम लोगों को पॉइंट्स दिया है, वो पॉइंट क्या क्या है, 80 स्क्वायर प्लस 280, यानी कि यहां दिया है 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, अब सवाल में तो इतना ही कुछ दिया है ना भाई, इतना कुछ दिया है। एक कर्व था जिसको हम लोग पाराबोला कह रहे थे, उस पाराबोला का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब इस पे दो चीजें होंगी, एक टेंजेंट होंगी, एक नॉर्मल होंगी। अब इस टेंजेंट और नॉर्मल का सवाल देखिएगा, तो दोनों का ही हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो दोनों का जब हमें इक्वेशन निकालना है, तो आप सोचो कि कैसे इक्वेशन निकाल सकते हो, यानी कि हमें इसका भी इक्वेशन निकालना है और इसका भी इक्वेशन निकालना है। सवाल समझो, और पॉइंट दिया हुआ है, तो ये तो पक्की बात है भाई, ये तो गारंटी है कि जो हमें यहां पे दिया हुआ है ये काम कर रहा है x1 और ये काम कर रहा है y1, इसको लेकर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 22 है, नंबर दे लेते हैं। चूंकि यहां पे हमें हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेंजेंट है तो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यानी कि एकदम पक्की बात है कि y और x इक्वेशन निकालने में तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन m कैसे निकलेगा, और x1 y1 तो यहां पे दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है, हमें m निकालना है। तो अब m निकलेगा कैसे, यानी कि इस टेंजेंट का m का मान निकालना है पहले, तभी ना यहां पे रख पाएंगे। अच्छा, फिर एंड और कौन सा चीज निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब रही बात कि हम लोग p निकालेंगे तो कैसे, आखिर p निकलेगा कैसे, तो इस p का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पे नॉर्मल का स्लोप चाहिए, इतना चीज तो पक्की बात है। अब आप समझो कि इसमें भी तो x1 और y1 का वैल्यू ये रख सकते हैं, रख सकते हैं ना भाई, लेकिन यहां पे p का तो जरूरत है, हम फंस जाएंगे, p का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो p के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो दिया गया कर्व का या पाराबोला का इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करो। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो वो टेंजेंट का क्या आएगा, स्लोप। यानी चूंकि गिवेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, तो जो दिया गया है आप इसको क्या कर लो,
डिफरेंशिएशन कर लो, तो यहां लिख दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहां अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, और इसको करेंगे तो डी फोर ए एक्स बट्टा डी एक्स। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, ऊपर से मिटाते हैं हम, आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि वाई स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या मिलेगा, टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर ए को अगर बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, इसलिए दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो फोर ए बट्टा टू वाई, टू से टू कट जाएगा तो यहां हो जाएगा टू ए बट्टा में वाई। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, टू ए बट्टा में वाई। दोस्तों जो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करके आता है, जो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करके आता है वही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ना भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि ये हम बोल सकते हैं, अच्छा यहां पे देख पा रहे होंगे dy by dx कितना का वैल्यू आया है, dy by dx में हमें 2a बटा में y है, तो यहां पे जो x और y का यूज करना है वो कितना, तो x बराबर यूज करना है at स्क्वायर और y बराबर यूज करना है 2at। तो जो इसका वैल्यू आया है dy by dx का वो कितना आया, 2a बट्टा में y, तो y आया तो सिर्फ y का वैल्यू यूज करेंगे 2at, तो देख पा रहे होंगे इसका वैल्यू कितना आया 1 बाई टू। यानी कि हियर यहां dy by dx का वैल्यू आ गया 1 बाई टी, इसलिए हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों भाई, क्योंकि यही टेंजेंट है, जो dy by dx निकलता है वही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से सूचित कर सकते हैं और उसका वैल्यू 1 बाई टी आ गया। यानी कि यहां m का वैल्यू हमें पता चल गया 1 बाई टी। अब जब m का वैल्यू पता चल गया दोस्तों, तो अब आप क्या कर लोगे, p का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी तो निकाल सकते हैं यहां पे। अब लिखेंगे नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है भाई, तो माइनस वन बटा डीवाई बाई डी एक्स, और माइनस वन बटा डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी करेंगे, तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल को बोलते हैं पी, और पी का वैल्यू टी जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टी। यानी कि यहां पी भी पता चल गया कितना, माइनस में टी। तो दोस्तों पी का वैल्यू पता चल गया, एम का वैल्यू पता चल गया, एक्स वन और वाई वन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल में दो को बोल रहा था निकालने के लिए, एक बोल रहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और एक बोल रहा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। तो सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ये लिख सकते हैं, हेंस अतः इक्वेशन ऑफ हम यहां पे टेंजेंट निकाल दे रहे हैं दोस्तों, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दे रहे हैं, आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल खुद निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का इक्वेशन पूछ रहा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम बता रहे हैं कैसे निकलेगा, तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन
एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब भी इक्वेशन निकालना होता है y और x को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो y और y1 के जगह पे 280, m के जगह पे 1 बाई टी, एक्स माइनस एक्स वन के जगह पे 80 स्क्वायर। और आप जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो यहां सिर्फ p का इस्तेमाल करना है, और p के जगह पे कितना रखेंगे, माइनस टू, और एक्स वन वाई वन तो यही वाला इस्तेमाल होगा, और उसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा। फिलहाल हम एक को कर देते हैं, तो यहां वाई को अगर टी से गुना होगा तो वाई टी माइनस 280 को टी के साथ गुना होगा तो 280 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस है 80 स्क्वायर, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करना था। अब यहां पे देख पा रहे होंगे yt माइनस 280 स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस x, और ये इधर आएगा तो प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब एक जाति के लोग कौन कौन से हैं, तो 80 स्क्वायर और 80 स्क्वायर, तो ये दोनों का जोड़ घटाव आपस में कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर हमें क्या आया yt, ये माइनस 280 स्क्वायर है, ये प्लस 80 स्क्वायर है, तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस 80 स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब जरा इसका आंसर देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर किस रूप में दिया है। तो ये 22 नंबर सवाल है, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ये हम लोग इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी हम लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और जो बुक में आंसर दिया है ना वो कैसे दिया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। बुक में जो इसका आंसर दिया है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ये लिखा है वाई टी इज इक्वल टू, यहां के बाद बराबर दे दिया, तो ये जो माइनस में एक्स है उधर जाएगा तो प्लस में एक्स, और ये माइनस में 80 स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस में 80 स्क्वायर। तो ये रहा हम लोगों का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देख पा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। एक काम इसमें हम लोगों को और आप बाकी है, वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, यानी कि आप खुद से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिएगा जिसमें p का वैल्यू यूज करना है माइनस टी, एक्स वन का जगह पे 80 स्क्वायर, वाई वन के जगह पे 280, और फिर वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना है, जो आंसर आएगा देख लीजिएगा बुक में किस टर्म में लाना है, कैसा बुक में आंसर दिया है। तो हम आंसर को अगर नहीं भी मैच करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैच कर देना थोड़ा सा सही रहता है, तो आपको हम मैच भी कर दे रहे, देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया 19, 20, 21 और 22। चूंकि ये लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मेरे अंदर की एक क्वालिटी बोलो या डिसक्वालिटी बोलो कि हम लोग एक क्वेश्चन को कम ही मतलब एक क्वेश्चन को या दो क्वेश्चन को ढंग से समझे, टाइम का परवाह ना करें, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि जल्दी 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 फटाफट क्वेश्चन को किया, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझे कि बहुत स्लो है या फिर ये हो, क्योंकि आपको हर चीज को यहाँ पे थ्योरेटिकल है, हर चीज को अप्लाई करना हो रहा है, और साथ साथ फिगर भी हर सवाल में बन रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना भाई, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो कुछ भी हम छोड़ रहे हैं आधा अधूरा आप उसको जरूर पूरा कीजिए, तब भी आपका आंसर मैच होगा, ठीक है। तो बस आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और फिर आगे के क्लास को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि 22 तक बना लिए हैं, तो टोटल 27 सवाल हैं, तो अगले क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ऐसा मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं कि आगे का सवाल कैसा रहता है, आगे का क्वेश्चन कैसा है ना, क्योंकि क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे ले लेते हैं, लेकिन वो होंगे मतलब वेरी पावरफुल क्वेश्चन, ठीक है,
कुछ क्वेश्चन से ऐसी है जो हम बताने के टर्म में, क्योंकि हमको जो है खुद से बनाना नहीं होता है दोस्तों, आपको समझाना होता है, इसलिए इतने टाइम टेकन लग जाती है। ठीक है, जब आप खुद से समझकर और खुद से सॉल्यूशन करोगे तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।